हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट वैकेंसी के बारे में। DSSSB की तरफ से जो है टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी आई, पहले PGT की, उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। अभी तीन नए और विज्ञापन जारी किए गए हैं जहाँ पर 3,453 परमानेंट पोस्ट आई है नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो चलिए देख लेते हैं तीनों ही एडवर्टीजमेंट एक साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की मेन वेबसाइट पर चले आना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप लोगों को चार नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक विज्ञापन के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, जो कि TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी, साथ में ड्रॉइंग टीचर्स की वैकेंसी। उसके बाद जो है 13 जनवरी को ही तीन और नए विज्ञापन जारी किए गए हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के। तो उसमें देख लेते हैं अगर आप आवेदन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर जो है कौन सा है, 1/2024। उसके बाद देखेंगे किस पद की है वैकेंसी, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ओपनिंग डेट है 18 जनवरी 2024, क्लोजिंग डेट है 8 फरवरी 2024। पोस्ट कोड बिल्कुल ध्यान में रखना है जब आप लोग आवेदन करेंगे, तो पोस्ट कोड बिल्कुल ध्यान में रखें कि हम जो है किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट, दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ पर जो है और भी अच्छी सैलरी है, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट को दी जाएगी, और पर्सनल असिस्टेंट की जो है वो सैलरी रहेगी पे लेवल 7। कुल जो यहाँ पर वैकेंसी हैं तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 41 है, और यहाँ पर 361 जो संख्या है वैकेंसी की पर्सनल असिस्टेंट की है। उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, इसमें भी पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है 16, ठीक है, और 7th पे लेवल के अकॉर्डिंग यह सैलरी रहेगी। उसके बाद जो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसमें 546 जो है वैकेंसी की संख्या है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो अलग दूसरा डिपार्टमेंट है, पहला जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में और दूसरा जो है फैमिली कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुल 20 पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो जो अभी मैंने पोस्ट बताई हैं जिसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, इसके अलावा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसके 990 पदों पर ये वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2024। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की जो है वैकेंसी आई है, पोस्ट कोड है 812/2024। इसकी डेट है 8 फरवरी से स्टार्ट है आवेदन, 8 मार्च जो है लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर दो जो सभी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर ली है या ग्रेजुएशन है, तो उनके लिए जो है ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहेगी। परमानेंट पोस्ट रहेंगी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सभी में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हैं ये वैकेंसी, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। और पोस्ट एक पोस्ट का जो नाम है वो मल्टी टास्किंग स्टाफ ही है, MTS की ये वैकेंसी है। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी रहेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी जो है सैलरी रहेगी परमानेंट वैकेंसी। उसके बाद जो है इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं MTS में 567 जो है यहाँ पर कुल वैकेंसी आई है, ठीक है। तो अभी जो आप ये ध्यान में रखें कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर है, किस पोस्ट का जो है पोस्ट कोड क्या है, और एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी वैकेंसी है। चलिए तीसरे विज्ञापन की बात कर लेते हैं। ये जो विज्ञापन है ये है 4/2024। किस पोस्ट की वैकेंसी है तो वो हम देख लेते हैं। अभी 13 फरवरी 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म इसमें स्टार्ट होंगे, याद रखना है 4/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर में 13 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, और ये शायद यहाँ पर जो है 13 मार्च 2024 है, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट जो है हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट दिल्ली ट्रांस ट्रांसको लिमिटेड, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी आई है। तो इसमें जो पोस्ट हैं उनका नाम है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 318, नर्सिंग ऑफिसर के जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पदों पर वैकेंसी है 1507, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है इसमें 12 हैं कुल पोस्ट, आया की है 21, कुक
मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, जिसमें 18 मेल की हैं, 14 फीमेल की हैं। उसके बाद जो है ट्रांसलेटर की वैकेंसी है हिंदी में, तो यहाँ पर दो हैं कुल वैकेंसी। सेक्शन ऑफिसर इसकी जो है 4 वैकेंसी हैं। तो इसमें अगर देखें हम तो 1896 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। अभी डिटेल में एडवर्टीजमेंट बिल्कुल जारी किया जाएगा मेन वेबसाइट पर। तो ये परमानेंट वैकेंसी थी सभी। अगर आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है वो सभी में ध्यान रखेंगे 4/2024 एडवर्टीजमेंट जो संख्या है उसमें 13 फरवरी को स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन आवेदन, 8 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो रहे हैं एमटीएस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर असिस्टेंट के लिए पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए 18 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लग जाएं, वैकेंसी आ चुकी है परमानेंट DSSSB की तरफ से। यहाँ पर जॉब लोकेशन आप लोगों की दिल्ली रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।